गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का सोशल साइंस पढ़ेंगे। हमने अध्याय 5 लिया है, इतिहास लिया है। अध्याय का नाम है संतुलनकालीन जनजीवन, ठीक है, भाग 2 है। इसके पहले वीडियो में हमने संतुलन काल की स्थापना कैसे हुई, साथ ही उन्होंने अपने धर्म एवं संस्कृति के बारे में क्या क्या लाए, ठीक है, इनके बारे में हमने क्या क्या अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे संतुलन काल की स्थापना से गांव के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, ठीक है। पहले गांव में क्या होता है, कृषि प्रधान लोग रहते हैं। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। पहले लगान वसूल करने का अधिकार सामंत को दिया जाता था। राजा लगान वसूल करने का अधिकार किसको देते थे, सामंत को, जो कर वसूल करते थे। परंतु इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। संतुलन काल की स्थापना से अब संतुलन के उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी लगान वसूल करते थे, साथ ही लगान को क्या करते थे, इकट्ठा वसूल करते थे और बड़े पैमाने पर लगान तय किया जाता था। इस प्रकार किसानों को लगान एक साथ इकट्ठे देने पड़ते थे। इस कारण किसानों में क्या हुआ, बहुत सारे किसानों को परेशानी हुई और किसानों ने अपने अनाज को, उपज को गांव से बाहर शहर में जाकर बेचने लगे। साथ ही संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। साथ ही व्यापार का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। संतुलन के बड़े अधिकारी, बहुत से अधिकारी कार्य करने वाले कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे। वे शहरों का विकास करना चाहते, इस प्रकार एक दूसरे की संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। साथ ही विचारों का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। बड़े पैमाने पर मिस्त्री, कारीगर, ठीक है, उद्यम, श्रमिक आदि कार्य करने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, धर्मों का भी प्रचार हुआ। उस समय इस्लाम धर्म प्रमुख था तथा इस्लाम के लोग एक धर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर सभी में है, वे सभी लोगों को समान मानते थे। जाति पाति भेदभाव को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। उसी प्रकार अरब के व्यापारी भारत से अनेक प्रकार की सीखी, जैसे उन्होंने शून्य का आविष्कार भारत में भारत को से ही लिया। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के खगोल, योग शिक्षा आदि भारत से ही प्राप्त किया और अपने अरब में क्या किया, उनका पश्चिमी देशों में प्रचार प्रसार किया। साथ ही भारतीय रीति रिवाजों, धर्मों का भी इस्लाम के लोगों पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। साथ ही बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भारतीय धर्मों में विश्वास करने लगे। साथ ही कवि नानक जैसे विचारक आए जिन्होंने जाति पाति तथा धर्मों के पाखंडों को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार संतुलन काल में गाँव के लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। आज के लिए बस इतना ही।